मेरे प्रदेश के लोगों ने राम राम। हरियाणा तक चैनल के यूट्यूब कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। नू हिंसा की जांच को लेकर खट्टर सरकार पर लगातार सवालों की बौछार की जा रही है, लेकिन इसी बीच नू हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायकों पर अनिल विज सदन में आरोप लगा चुके हैं। वे कह चुके हैं कि इस हिंसा के लिए मेवात के कांग्रेस विधायक भी जिम्मेदार हैं। अब इस मामले की जांच तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया की तमाम प्रतिक्रियाओं को देखें तो उनमें ये माना गया है कि मामन खान के बयानों में गुस्सा रहा है, एग्रेशन रहा है। तो वहीं इस मसले में जांच के दौरान आफताब अहमद और मोहम्मद इलियास से भी सवाल तैयार किए जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी इस बाबत सीएम मनोहर लाल के बयान पर पलटवार कर चुके हैं, जिसमें सीएम मनोहर लाल कहते नजर आए थे कि मेवात में साजिश की गई है, और इसी बाबत भूपेंद्र हुड्डा पूछते नजर आए थे कि साजिश किसने की और क्यों की, ये बताना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम मनोहर लाल कह चुके हैं कि इस मसले में जिनकी भी भागीदारी होगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास और मामन खान अपने बयानों को लेकर सवालों के घेरे में हैं, और मामन खान के बयानों को देखकर तो ये माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा डेंजर जोन में मामन खान ही हैं। इनके सदन में दिए गए बयान पर भी बीजेपी नेताओं ने सदन में ही कांग्रेस से सवाल पूछे। तो वही आफताब अहमद पर भी सवाल है, तो ये माने कि जांच में मोहम्मद इलियास से भी पूछताछ होनी बाकी है। तो पुलिस को भी इस पूरे मामले में जांच को लेकर सरकार की ओर से सहमति मिल गई है। अनिल विजय कह चुके हैं कि नू हिंसा में जिन सामाजिक और सियासी लोगों ने हिंसा भड़काने में भागीदारी दी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इन तीनों नेताओं के तमाम बयानों पर सवाल तैयार कर रही है। आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास और मामन खान का ये कहना है कि उन्हें सियासी तौर पर परेशान किया जा रहा है, ना तो उन्होंने जनता को भड़काया है और ना ही कोई भड़काऊ बयान दिया है। हालांकि देखा जाए तो मामन खान भी इस हिंसा के बाद से लगातार चुप हैं। सदन में भी वे पहले की तरह नहीं बोले और ना ही मीडिया के सामने आए हैं। अब देखिए, मामन खान पर सवाल है तो मेवात के दो और विधायक इन सवालों के घेरे में है। आफताब अहमद और मोहम्मद इलियास भी सवालों के घेरे में है। इनके भी कई बयानों को भड़काऊ माना जा रहा है। अब ये भी देख लें कि सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतती नजर आ रही है और ना ही किसी तरह की ढील देती नजर आ रही है। हरियाणा की जांच एजेंसियों ने इन तीनों नेताओं के बयानों को अगर भड़काऊ मान लिया तो इन तीनों नेताओं के लिए मुश्किल हो सकती है। तो वहीं बीजेपी ने तीनों कांग्रेस के विधायकों को इलाके में दंगे के लिए दोषी ठहरा दिया है, या फिर ये माने कि कांग्रेस को ही दोषी ठहराया है। एक तस्वीर ये भी है कि इस पूरे मामले में कांग्रेसी भी एकमत होते नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी एक दूसरे का बचाव नहीं कर रहे हैं। पुनाना से विधायक मोहम्मद इलियास के अलावा कोई नेता मामन खान के पक्ष में बोलते नजर नहीं आए। मोहम्मद इलियास तो विधानसभा में भी मामन खान के पक्ष में बोलते नजर आए, तो वही स्थानीय स्तर पर भी खूब बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि जिस घटनाक्रम हुआ था सबको पता था कि क्षेत्र में तनाव है, उसके बावजूद भी जिले के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त गायब थे। मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं बताया कि इतनी संवेदनशील स्थिति के दौरान प्रशासन के अधिकारी कहां गायब थे, क्यों अतिरिक्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया। जवाब कांग्रेस के नेताओं को नहीं बल्कि सरकार को देना है। आपको बता दें कि कई दिन पहले नगीना थाने में SIT कई घंटों तक कांग्रेस विधायक मामन खान का इंतजार करती रही, लेकिन मामन खान बाहर नहीं पहुंचे थे और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था। जानकारी मिली कि कांग्रेस नेता ने पुलिस अधिकारियों को वायरल बुखार होने की बात कहते हुए कुछ दिन का समय मांगा। तो वही SIT ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन 9 में कांग्रेस विधायक मामन खान से पूछताछ की पूरी रणनीति बनाई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। लेकिन मामन खान की तबीयत खराब होने के चलते SIT को निराश होकर लौटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक मामन खान के पास कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा। तो वहीं जिला पुलिस की माने तो कोई अधिकारी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि कांग्रेस के विधायक को नोटिस किसने दिया और कब दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि नू हिंसा की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे मेवात के तीनों कांग्रेस विधायकों पर भी सवालों की बौछार लगातार हो रही है। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इन विधायकों से किस तरह के सवाल जवाब लिए जाते हैं। बहरहाल, आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय रखें। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।